गुड इवनिंग गाइस। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीरियडिक माइलस्टोन्स को याद करने का एक बहुत इजी वे। ये हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे यूपीएससी सीएमएस हो, नीट पीजी, एम्स या एफएमजी एग्ज़ाम हो। और इसको याद करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट, इनको सीक्वेंस वाइज याद कर लो, या फिर ब्रेक डाउन ब्रेक करके याद कर लो, जो थोड़ा सा मुझे रिलेटिवली इजी लगता है। आपको जो इजी लगे, मैंने दोनों मेथड्स इसमें ऐड करे हुए। एंड में सीक्वेंस वाला है अभी जो मुझे इजी लगता है, पहले मैंने वो ऐड करा है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चाइल्ड कैन सिट विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट। नॉट ओनली सिट, ये सीक्वेंस याद कर लो आप। सिट, स्टैंड एंड वॉक का सीक्वेंस होता है। तो चाइल्ड ये विद सपोर्ट कब कर सकता है, विदाउट सपोर्ट कब कर सकता है। तो विद सपोर्ट है 6, 9 एंड 12 मंथ। तो सिट विद सपोर्ट, सिट स्टैंड विद सपोर्ट एंड वॉक विद सपोर्ट, 6, 9 एंड 12 मंथ हो गया। इसमें ही आपको 3 मंथ जस्ट ऐड करने हैं। एक चीज़ याद कर लो, 6, 9, 12 में सिट, स्टैंड, वॉक प्लस 3 मंथ करोगे तो 9, 12 और 15 मंथ में चाइल्ड विदाउट सपोर्ट सिट, स्टैंड एंड वॉक कर सकता है। नेक्स्ट इज 6 मंथ पे बच्चा क्या कर सकता है। अपन ने अभी देखा, बच्चा सपोर्ट के साथ में बैठ सकता है, उसमें मोनोसिलेबल्स कह सकता है, उसमें यूनिट डेस्ट्रक्स ग्रेस्प आ जाता है। इसको याद कर, ये याद अगर नहीं होता है तो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि यूनिट डेस्ट्रक्स ग्रेस्प यानी यूनिसेक्स और इसको सेक्स सिक्स, ऐसे याद कर सकते हो। तो यूनिसेक्स जो सैलून्स होते हैं उससे आप यूनिट डेस्ट्रक्स ग्रेस्प को याद कर सकते हो, और इसको ई को जस्ट आपको आई करना है। तो 6 मंथ पे यूनिट डेस्ट्रक्स ग्रेस्प आ जाता है। और चाइल्ड है ना, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर, अपन बच्चे मान लो कि एक बॉल पकड़ा हुआ है हाथ में, आपने उसको कोई और चीज़ पकड़ा है तो उसको ड्रॉप करके दूसरी चीज़ पकड़ रहा है, तो ये भी 6 मंथ की एज पर ही हो पाता है। नेक्स्ट है, अभी अपन ने देखा यूनी डेक्स्टस ग्रेस, जो कि एक हाथ से बच्चा कोई चीज़ पकड़ रहा है, तो वो कब आ रहा है, 6 मंथ पर आ रहा है। तो बाय डेक्स्टर ग्रेस लेस एडवांस्ड है, तो वो इससे कम एज पर आएगा, यानी कि 4 मंथ एज पर वो आ रहा है। मोनोसिलेबल अपने देखा 6 मंथ एज पर आ रहा है, बायसिलेबल मोर एडवांस चीज़ होगी तो वो बात की एज में आएगा, यानी कि 9 मंथ पर आएगा। वैसे ही पाल्मर ग्रेस जो है वो 3 मंथ की एज पर आता है, और इमेच्योर और मैच्योर प्रिंसेप ग्रेस जो है, इमेच्योर प्रिंसेप ग्रेस यानी बच्चा पल्प फिंगर्स फिंगर की पल्प से कोई चीज़ पकड़ रहा है और एक होता है टिप से पकड़ रहा है, वो मैच्योर प्रिंसेप ग्रेस पे। तो इमेच्योर होता है 9 मंथ पे और मैच्योर होता है 12 मंथ में। तो इसको एक बार फास्ट देख लेते हैं। चाइल्ड कैन सिट, स्टैंड एंड वॉक विद सपोर्ट 6, 9, 12 मंथ एंड विदाउट सपोर्ट प्लस 3 मंथ्स कर दो। 6 मंथ में बच्चा सपोर्ट के साथ बैठ सकता है, मोनोसिलेबल कह सकता है, यूनिट डेस्टिनेट ग्रेस्प हो गया 6 मंथ में, और ड्रॉप वन ऑब्जेक्ट वैन गिवन अनोदर। बाय सिलेबल जो आता है वो आता है 9 मंथ पे, बाय डेस्टिनेट ग्रेस 4 मंथ पे, पाल्मर ग्रेस 3 मंथ पे, इमेच्योर प्रिंसेप 9 मंथ पे और मैच्योर प्रिंसेप 12 मंथ पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो MCQs हैं वो हर पेपर में मिलते हैं, और नीट PG एग्ज़ाम अभी बहुत क्लोज है, तो उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए अपन को उसके PYQs बहुत अच्छे से करने होने चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 50 to 60% जो पार्ट होता है वो PYQ या PYQ रिलेटेड टॉपिक से ही आता है। और इसके लिए एक बहुत बेस्ट ऐप है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है रिफ्लेक्स ऐप। रिफ्लेक्स ऐप में आपको नीट PG और एम्स के लास्ट ईयर के सारे PYQs मिलेंगे। यह ऐप जो है वो डॉक्टर आदित्य गुप्ता सर ने बनाया है, और जो टॉप रैंकर्स हैं उन सब ने मिलकर इसको इसको डिज़ाइन करा है कंट्री के अपनी। इसमें आप इंटरफेस देख सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट के जितने भी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब मिलेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा इनका। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है इसकी वो है, आप अनलिमिटेड फ्रेश अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगाया उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क हो गया, आप उसको सिर्फ रिव्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं। आप अनलिमिटेड टाइम फ्रेश अटेम्प्ट दे सकते हो, और इसके साथ में इसमें आपको डायरेक्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे लास्ट ईयर के, जैसे आप देख सकते हो इसमें एम्स के 2015 तक के पेपर्स हैं अप टू, ठीक है, प्रीवियस डेट में। एक जो पर्सनली बेस्ट मुझे इसका फीचर लगा वो है कस्टम मॉड्यूल क्रिएट योर ओन टेस्ट, जिसमें आप मिनी टेस्ट दे सकते हो, ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो, और आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो कि मुझे 20 का टेस्ट देना है या 50 का, 70 का देना है। प्लस आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से पेपर के PYQ देना है, नीट PG के देना है, एम्स के देने हैं या दोनों के देने हैं। और जब आप बेस नॉर्मल इसमें क्वेश्चंस लगा रहे हो PYQs, तो आप जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप उनको बुक मार्क कर सकते हो, और वाइल गिविंग योर ओन टेस्ट और अ कस्टम मॉड्यूल आप उन्हें इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो इसमें।
एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसमें वो है नोट्स का ऑप्शन, जो आप कभी भी ट्रैवल करते हुए अपने फ़ोन में या अपने डिवाइस में देख सकते हो। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और एक बहुत अच्छा वे है जितने भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो ऐप का सब्सक्रिप्शन है वो भी बहुत बजट में रखा गया है। फॉर 6 मंथ जो ऐप का प्राइस है सब्सक्रिप्शन का वो है 599, एंड फॉर 12 मंथ 1 ईयर का जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन का वो है 948 रुपीज़। ओके, तो जो ऐप का ऐप स्टोर का लिंक है या गूगल प्ले स्टोर का लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट, जो चाइल्ड ट्रांसफ़र कैसे करता है, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कब कर सकता है। देखो जो टी है, ठीक है, जैसे 7 है, 7 में अगर ऐसे कर दूँ तो टी बन गया, ठीक है, तो ट्रांसफ़र 7 मंथ्स पर होता है। ठीक है, अब ये देखो इसमें आपको कुछ नहीं, आपको याद रखना है LCX STD। ओके, सिर्फ एक ही चीज़ है, वर्टिकल लाइन देखो जो कि आपको मंथ्स में देख मिलेगी। वर्टिकल लाइन ही एक ऐसा है जो मंथ्स में मिलेगा, बाकी सब ईयर्स में है, और वो भी वर्टिकल लाइन आपको दिख जाएगी। ये 1 जो है ये वर्टिकल लाइन ही तो है, तो 18 मंथ में वर्टिकल लाइन बन गई। उसके बाद लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल 2 ईयर पे, सर्कल 3 ईयर पे, एक्स कह दें, क्रॉस कह दें, प्लस साइन कह सकता है एग्जामिनर, ये 4 ईयर पे, स्क्वायर जो है, ठीक है, वो भी 4 साइड्स का, ये भी 4 साइड्स का, तो इसको ध्यान रखना ये 4.5 ईयर है। ट्राइंगल 5 ईयर पर है, और जो डायमंड है वो मिलेगा 6 ईयर तक बना सकता है बच्चा। ओके, अब नेक्स्ट है 3 ईयर पे बच्चा क्या क्या चीज़ कर सकता है। जैसे मैंने 6 मंथ पे देखा था वैसे हम 3 ईयर पे देखते हैं। 3 ईयर का बच्चा सर्कल बना सकता है, ट्राई साइकिल राइड कर सकता है। ठीक है, सर्कल अपन को वहाँ से ऊपर से याद हो गया, ट्राई साइकिल में ट्राई मीन्स 3 वो याद हो गया, नेम और जेंडर बता सकता है, एज बता सकता है, उसके साथ में वो ट्री को क्लाइम कर सकता है 1 फुट पर स्टेप, जो क्लाइम कर सकता है स्टेयर्स को भी क्लाइम कर सकता है 1 फुट पर स्टेप, और ड्राइव बाय नाइट, ये एक नई चीज़ है ध्यान रखना, ड्राइव बाय नाइट बच्चा 3 साल तक रह सकता है। अब नेक्स्ट 12 मंथ पे जो बच्चे की स्पीच होती है वो 1 to 2 वर्ड्स की होती है, 15 मंथ पे जैगरन स्पीच होती है, 24 मंथ्स पे यानी 2 ईयर एज पे वो 2 वर्ड सेंटेंस कह सकता है या 100 वर्ड्स कह सकता है, और 2 ईयर ही वो टाइम है जब वो क्लाइम कर सकता है 2 फुट पर स्टेप। यहाँ पे 3 ईयर पे 1 फुट पर स्टेप कर रहा है, यहाँ पे 2 फुट पर स्टेप कर सकता है। हॉप्स, चाइल्ड कैन हॉप्स बाय द एज, हॉप्स में कितने वर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 ईयर की एज पे। स्किप्स, स्किप्स में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो 5 ईयर पे स्किप्स कर सकता है, और 5 ईयर पर ही वो वर्ड्स का मीनिंग आस्क कर सकता है कि इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या, ऐसे करके। स्टोरी टेलिंग, टेल में कितने वर्ड्स, 4, तो वो 4 ईयर्स की एज पर हो गया, और बच्चा टॉयलेट अलोन कब जा सकता है वो भी 4 ईयर पे, और इसको याद नहीं हो रहा है तो टॉयलेट को अपन जो हिंदी में वो सुसु भी कहते हैं जो कि 4 वर्ड का है, तो 4 ईयर पर हो गया। ओके, तो मोस्ट ऑफ चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करके और ऐसे ट्रिक बना के इसमें याद कर सकते हैं। सोशल स्माइल 2 मंथ पर होती है, स्ट्रेंजर एनजाइटी और मिरर प्ले, अब देखो मिरर में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो मिरर प्ले कर सकता है बच्चा 6 मंथ पर। स्ट्रेंजर एनजाइटी वैसे मैंने इसमें 6 मंथ पर लिख रखी है, पर अगर अलग से पूछे तो इसमें एनजाइटी में 7 वर्ड्स है, तो 7 मंथ पर भी एक इसका आंसर आता है। चाइल्ड कैन से बाय बाय, तो बाय को अपन को याद रखना है, बाय बाय बाय, तो 333 9 मंथ्स में चाइल्ड बाय बाय कर सकता है। अब टावर देखो, टावर में आपको ध्यान रखना है 15 मंथ पे 2 ब्लॉक का टावर यानी 2 क्यूब्स का टावर बना सकता है बच्चा, 18 मंथ में 3 का बना सकता है, उसके बाद आपको चलना है 2 ईयर और 3 ईयर, और इसको 3 की टेबल कंटिन्यू करनी है, 3 6 और 9, सिंपल। नेक्स्ट 3 मंथ पे चाइल्ड में नेक होल्डिंग आ जाती है, मदर रिगार्ड आ जाता है, और वो कूइंग साउंड बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। 4 to 6 मंथ वाला बच्चा रोल ओवर कर सकता है। अब देखो 9 10 11 ये एक साथ ही लेना, क्रॉलिंग क्रीपिंग एंड क्रूजिंग, ठीक है, क्रॉलिंग आप समझती हो, क्रीपिंग समझती हो, क्रूजिंग क्या होता है कि चाइल्ड कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ के चल रहा है, ठीक है, जैसे सोफ़ा है या कोई चेयर है, कोई टेबल है, उसके
कोनों को पकड़ पकड़ के चल रहा है तो वो क्रूजिंग होता है। तो 9, 10, 11 पे क्रॉलिंग, क्रीपिंग, क्रूजिंग, ये सीक्वेंस ही याद कर लो आप, ठीक है। और सीक्वेंस भी अगर भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत स्ट्रेस रहता है तो भूल जाते हैं, तो यह कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है इसमें। CR तो कॉमन ही है, पर इधर देखो ए से पहले आता है तो 9 मंथ पे वो, उसके बाद ई आता है तो 10 मंथ पे ये, और उसके बाद यू आता है तो 11 मंथ पे ये हो गया, सिंपल। अब रन देखो, आर को आप ऐसे बनाओ तो 18 मंथ पे रन कर सकता है बच्चा, और 2 ईयर पे वो अच्छे से रन कर सकता है, और अप स्टेयर से डाउन स्टेयर 2 स्टेप से चल सकता है। ये 2 स्टेप वाला मैंने अभी ऊपर भी देखा था। अब साउंड का देखो, 3 मंथ का बच्चा कूइंग साउंड कर सकता है प्रोड्यूस, 4 मंथ पे वो, 4 मंथ वाला चाइल्ड जो है वो लाफ अलाउड कर सकता है और अपने हैंड्स को मिड लाइन में ला सकता है। ये भी एक है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 मंथ का बच्चा ब्रिंग हिज हैंड टू मिड लाइन, ओके। 10 मंथ में वो पीक अ बू, एक गेम होता है ना, वो खेल सकता है। 12th मंथ का जो बच्चा है वो सिंपल बॉल गेम खेल सकता है। 15 मंथ का बच्चा है, अपन ने उसमें देखा था 15 मंथ पे एक तो जैगरन स्पीच आती है, कुछ भी बोलेगा स्क्रिबल में, क्या वो कुछ भी लाइन बनाता है तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी लाइन बनाएगा और पन्नों को भी उल्टा उलट पुलट करता रहेगा। तो ऐसे एक स्टोरी ध्यान रखो कि 15 मंथ में ना सब गड़बड़ कर रहा है, वो बुक्स के पेजेस को पलट रहा है, अजीब तरीके से पलट रहा है, उन पर स्क्रिबल कर रहा है और क्या वो अजीब सी बातें कर रहा है, यानी जो अपन बोलते हैं जैगरन स्पीच है, कुछ समझ नहीं आता जिसमें। तो जैगरन स्पीच, स्क्रिबल और टर्न बुक पेजेस, जो भी अजीब हरकतें हैं, ये सब वो 15 मंथ पे करता है एक साथ। नेक्स्ट है 11 मंथ पे, 11 मंथ पे वो डोमेस्टिक मिमिक्री कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप चम्मच से यानी कि फीडिंग बाय स्पून करा सकते हो। नेक्स्ट है 2.5 से 3 साल की एज में वो पैरेलल प्ले कर सकता है, और 4 ईयर की एज पे वो ग्रुप प्ले कर सकता है, ओके। इसकी ट्रिक थोड़ी सी कम है मेरे पास, सिर्फ 15 मंथ वाले की एक अच्छी ट्रिक है, बाकी 3 मंथ पे कूइंग साउंड है, 4 मंथ पे लाफ, 10 मंथ पे पीकअबू है, 12 मंथ पे सिंपल बॉल गेम है, 18 मंथ पे फीडिंग बाय स्पून, डोमेस्टिक मिमिक्री, 2.5-3 साल पे पैरेलल प्ले और 4 साल पे ग्रुप प्ले। एक दो बार देखेंगे रेगुलर याद हो जाएगी। 9 मंथ पे चाइल्ड में ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, यानी कि मान लो इस गोले में बच्चे को बोला बेटा तू यहाँ खेल बैठ गया, ठीक है, अब वो यहाँ खेल रहा था, बॉल उसकी यहाँ थी, अब वो बाहर चली गई इस एरिया से, उसको दिख नहीं रही, तो उसे 9 मंथ से कम की एज में तो उसे लगा चलो बॉल गई परमानेंट, पर अगर 9 मंथ या उसके एज के बाद में जब उसको पता लग जाएगा कि हालांकि चीज़ मुझे दिख नहीं रही है बट वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। और अब देखो 3 मंथ और 3 ईयर, देखो 3 मंथ पे ना हैंड रिगार्ड आता है, बच्चा अपने हाथों से खेलता रहता है, और ये 5 मंथ्स पे चला जाता है, और 3 मंथ के बाद बात करें 3 ईयर पे तो उसमें हैंडेडनेस आ जाती है, लेफ्ट और राइट कौन सा उसका डोमिनेंट वर्क करेगा। 3 मंथ पे हैंड रिगार्ड, 3 ईयर पे हैंडेडनेस, ओके। बच्चा कितना ऑब्जेक्ट काउंट कर सकता है अगर पूछे, मान लो वो बोलेगा कि 5 साल का बच्चा कितना ऑब्जेक्ट काउंट कर सकता है तो वो 5 है, और 5 साल का बच्चा कितने कलर आइडेंटिफाई कर सकता है तो वो 5-1 4 है, ओके। अब देखो हियरिंग, हियरिंग में होता है अगर स्ट्रेट पूछ रहा है कि बच्चा स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट कब तक सुन, किस एज तक सुन सकता है, तो वो है 4 मंथ, उसके बाद डाउनवर्ड मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकता है बेसिकली कि भाई ऐसे तो उसको आवाज़ आ ही रही होती है ना, पर वो आइडेंटिफाई कैसे कब से कर पाता है कि आवाज़ बिल्कुल मेरे को पैरेलली आ रही है या स्ट्रेट आ रही है, वो है 4 मंथ। अगर नीचे से आवाज़ आ रही है तो वो 6 मंथ, ऊपर से आ रही है तो 7 मंथ, और पाइवोटिंग क्या है कि डायगोनली वो कब से कर सकता है तो वो है 10 मंथ पे। तो गाइस ये जो 14 मिनट्स में पीरियडिक माइलस्टोन्स कंप्लीट हो गए हैं, ये मैंने इन दी एंड एक समरी रखी है कि अगर किसी को सिस्टमेटिक वे में देखना हो इसको तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और ये मैंने मैरो के पल्स में से उठाए हुए हैं तो ये ऑथेंटिक भी है। एवं मैं रीड मार देता हूँ इसका, 2 मंथ पे सोशल स्माइल है, 3 मंथ पे मदर, अपन ने जो जो कर लिया ना मैं उसको टिक भी मार देता हूँ, 2 मंथ पे सोशल स्माइल है, मदर रिगार 3 मंथ पे है, स्ट्रेंजर एनजाइटी 6 मंथ पे है, बाय 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 वेव करता 9 मंथ पे, 12 मंथ पे सिंपल बॉल गेम, जैगरन स्पीच 15 मंथ पे हो गई, कॉपीज पेरेंट टास्क 18 मंथ पे हो गया, 2 ईयर पे आस्क फॉर फूड ड्रिंक एंड टॉयलेट ना, ये एक नया है अपन ने अभी देखा, 3 ईयर पे फुल नेम है जेंडर जानता है, 4 ईयर में वो ग्रुप प्ले कर सकता है, टॉयलेट जा सकता है, सुसु वाला याद करा था ना अपन ने,
और 5 ईयर पे वो खुद को ड्रेस अनड्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है 1 मंथ पे अलर्ट हो जाता है वो साउंड के लिए, कोई आवाज़ जो अलर्ट हो जाएगा 1 मंथ की एज तक में। 2 मंथ पे कूइंग साउंड, 4 मंथ पे लाफ, 6 मंथ पे मोनोसिलेबल, 9 पे बाईसिलेबल, 12 मंथ पे 1 to 2 वर्ड, 18 मंथ पे 8 to 10 की वोकेबलरी, 2 ईयर पे 2-3 सेंटेंस या 100 वर्ड्स, हाँ 2-3 वर्ड्स या 100 हो गया। फिर 3 ईयर पे वो नेम, एज, जेंडर, सेक्स वगैरह वाला हो गया। 4 ईयर पे सिंग, टेल पोयम है ना, और सॉन्ग गा सकता है। 5 ईयर पे मीनिंग पूछेगा। 4 ईयर पे बायडेस्टस ग्रेस्प होता है, ठीक है, पैल्मर 3 मंथ पे होता है। 6 मंथ पे यूनिडेस्टस हो जाएगा, इमेच्योर पिंसर 9 मंथ पे, मेच्योर पिंसर 12 मंथ पे, 15 मंथ पे स्क्रिबल करता है, 18 मंथ पे स्क्रिबल करता, हाँ 15 मंथ पे स्क्रिबल करता है, 18 मंथ पे भी स्क्रिबल करता है, 15 में स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर ब्लॉक्स का बता रही है। तो 15 मंथ पे 2 ब्लॉक, इस पर 3 ब्लॉक, 18 मंथ पे उसके बाद 6 और 9। और LCX STD वाली ट्रिक याद कर लेना, इसको करने का इस ये ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा याद रखने का। इसके बाद नेक होल्डिंग 3 मंथ पे, रोल ओवर 5 मंथ पे, सिट विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, स्टैंड विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, क्रीपिंग, उसके बाद में वॉक विद सपोर्ट है ना। 18 मंथ पे रन, 2 ईयर पे वॉक सबस्टेज 2 फुट पर स्टेप, यहाँ पे 1 फुट पर स्टेप आएगा, ट्राइसिकल राइड कर सकता है, होपिंग कर सकता है और यहाँ पे स्किपिंग कर सकता है। अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन से डायरेक्ट कि 1 ईयर की एज पे बच्चा जो है वो वॉक कर सकता है सपोर्ट के साथ में, मैच्योर पिंसर ग्रास पर जाता है, फ्यू वर्ड्स स्पीक कर सकता है, प्ले सिंपल बॉल गेम, डोमेस्टिक मिमिक्री आ जाती है 18 मंथ्स। 2 ईयर पे बच्चा जो है वॉक अप विद डाउन स्टेप 1 स्टेप के हिसाब से ना, और वो 6 का टावर बना सकता है। लैंग्वेज में 15 to 100 की उसकी वो हो जाती है वोकेबलरी। फिर सोशली वो टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह सीख लेता है और स्टोरी सुनता है। 3 ईयर पे ट्राइसाइकिल राइड करता है, 9 ब्लॉक बना सकता है, हैंडेडनेस आ जाती है, लैंग्वेज में फुल नेम, मेज, जेंडर बता सकता है, सिंपल प्लेस कर सकता है, पैडल प्ले कर सकता है। 4 ईयर पे हॉप करता है, एडेप्टिव आ जाती है उसमें स्किन, जैसे कि ड्रॉ कर सकता है स्क्वायर को, स्टोरी सुना सकता है, अकेला टॉयलेट जा सकता है। और 5 ईयर पे स्किप कर सकता है, स्किप्स, ठीक है, फाइव वर्ड्स हो गए ना, स्किप्स, ड्रॉ ट्राइंगल, आज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, नेम, 4 कलर, और अनड्रेस और ड्रेसअप कर सकता है, बटन खोल सकता है खुद की शर्ट के और बंद कर सकता है। तो इसी के साथ पीडियाट्रिक माइलस्टोन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहा हो जैसे कि मेरे लिए रहा। थैंक यू, प्लीज़ गिव योर फीडबैक गाइस, थैंक यू सो मच।